सा रोका। यूपी विधानसभा सत्र में सपा पर फिर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले माफियाओं को इन लोगों ने खड़ा किया। एआरटीओ प्रवर्तन को दिया कार्रवाई का निर्देश, होली पर हुड़दंग किया तो जब्त होगा वाहन लाइसेंस निरस्त। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने किया ट्वीट, विकास दुबे की तरह अतीक की गाड़ी पलट जाए तो आश्चर्य नहीं। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के आवास पर चला बाबा का बुलडोजर, दोनों रास्ते किए गए सील। यूपी में होली से पहले लोगों पर महंगाई की पड़ी मार, रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए की हुई बढ़ोतरी। मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। यूपी में महंगाई की मार एक बार फिर से देखने को मिली है। जी हां, आपको बता दें कि रसोई गैस की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। बजट सत्र के दौरान गैस के दामों के मूल्य वृद्धि पर घोषणा हुई थी, जिसके बाद आज घरेलू गैस की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे पहले साल 2022 में रसोई गैस की कीमतों में 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है लगातार देखा जाए तो आज जो गैस के दामों में बढ़ोतरी करते चली आ रही है, और उसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं जो कानपुर में और जो आसपास के जो ज़िले हैं यूपी में जो गैस के रेट बढ़े हुए हैं उसको लेकर जो है आम जनमानस में जो है वो काफ़ी आक्रोश नजर आ रहा है। क्या नाम आपका? जी नाम आशीष है। आशीष जी, जो गैस के LPG गैस के जो दाम बढ़े हुए हैं LPG को जो घरेलू और कमर्शियल, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर ये कहना चाहेंगे कि जो सरकार ने दाम बढ़ाए हैं बहुत गलत वक्त पे बढ़ाए हैं और गलत किया है मिडिल क्लास लोग के साथ में। मौके पे आप देख रहे हो कि त्यौहार आने वाला है हिंदुस्तान में, होली एक पावन पर्व के तौर पर मनाया जाता है, उस मौके पे अगर आप ऐसा करोगे तो हम लोग के पापड़ तो ऑलरेडी महंगे हैं और ऐसे महंगे हो जाएंगे गैस के दाम बढ़ने की वजह से। जैसा कि देखा जाए तो अभी विधानसभा सत्र चल रहा है वर्तमान समय में, उसको लेकर के जो बिजली के रेट की बढ़ोतरी हो रही है, और उसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं अगले महीने से 23% बिजली को बढ़ाने वाले हैं रेट पर, उस पर क्या कर जाएंगे? लगातार जो आम जनमानस महंगाई की मार पड़ी उस पर क्या कहेंगे? सरकार को सोचना चाहिए इस पर, कि आम जनमानस के लिए सोचना चाहिए, उनको विधानसभा के बाहर भी उनको देखना चाहिए, उनकी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे उनको देखना चाहिए लोग कैसे क्या करेंगे त्यौहार में। आप एक तरफ गैस के दाम बढ़ा रहे हो फिर बिजली की मार भी ला रहे हो, इतना बोझा कैसे सह पाएंगे हम लोग? आप मतलब और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? आरएन त्रिपाठी नाम है। त्रिपाठी जी, देखा जाए कहीं ना कहीं LPG गैस को लेकर के कानपुर का इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे गरीब परिवार रहता है, मध्य वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उसके बाद देखा जाएगा कि जो लगातार गैस की बढ़ोतरी के दाम बढ़ गए हैं, अभी पिछले दिसंबर में दाम बढ़े थे, उसके बाद फिर एक साल नहीं हुआ फिर बढ़ोतरी होगी लगातार, उस पर क्या करना चाहिए? भैया आम आदमी बहुत परेशान है, जो ये रेट बढ़े हैं बहुत ही समस्या है, उससे त्यौहार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं सर और भी लोगों को साफ कहना है कि महंगाई पर रोक लगाने के लिए, इनका क्या नाम है आपका? तरुण शर्मा नाम है। तरुण जी, इस देखा जाए कहीं ना कहीं होली के त्यौहार या होली का देखा जाए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने गिफ्ट दिया है, कि किस तरीके से आप देखते हैं गैस को मूल के वृद्धि को लेकर? साहब पहली चीज़ तो ये गिफ्ट नहीं है, ये एक सजा है। पहले सरकार ने सब्सिडी का लालच दिया, साल भर हो चुका है किसी भी खाते में सब्सिडी नहीं आ रही है, गैस के दाम बराबर बढ़ते जा रहे थे, अभी नए बजट में फिर से सरकार ने जो गैस के दाम की वृद्धि कर दी है, ऐसा मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ समय बाद आदमी को मजबूरी हो जाएगी कि हमारी माताएं और बहनें फिर से एक बार लकड़ी के चूल्हे पे आश्रित होना पड़ेगा, गैस गरीबों के लिए सिर्फ एक सपना हो जाएगी। जैसा देखा जाए लगातार गैस के दाम बढ़ोतरी से पिछले साल बढ़ोतरी हुई, इस साल फिर बढ़ोतरी हुई है, और अभी सत्र चल रहा है विधानसभा में, उसको लेकर मूल बिजली की जो मूल वृद्धि उसको लेकर बढ़ रहा है, इसमें देखा तो आम जनमानस की जेब में क्या असर पड़ेगा? देखिए आम जनमानस अगर बात करें तो शायद भारत में 5% लोग ही गरीबी रेखा के ऊपर हैं, 95% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। सरकार ने बिजली और गैस के जो दाम बढ़ाए हैं, सरकार का जो वोट बैंक है, अमीर आदमी उतना वोट डालने नहीं जाता जितना गरीब जाता है, क्योंकि उसको सरकार से आस होती है। सरकार को रेट बढ़ाने से पहले एक बार गरीबों के बारे में सोचना चाहिए था, बस इतना ही कहना चाहूँगा। इनका साफ कहना है कि ये मूल वृद्धि को लेकर के ये सजा है,
ये कोई तोहफा नहीं है। हमारे साथ और भी लोग हैं क्षेत्र के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय सिंह है। अभय जी, जो बिजली के आज LPG गैस की बढ़ोतरी हुई है, देखा जाए कहीं ना कहीं LPG गैस घरेलू सिलेंडर में 50 रुपये और उसके बाद कमर्शियल पे जो है वो 350 बढ़े हुए हैं, इसमें जो है व्यापारी वर्ग किस तरह देखा जाएगा? व्यापारी वर्ग तो ठीक है, व्यापारी वर्ग जो है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो आम जनता है, जो गरीबी रेखा से जो नीचे वाले, उनके लिए मेन ये समस्या है। क्योंकि सरकार ने क्या किया है, घर घर जो एक योजना के तहत गैस चूल्हा जो अभियान चलाया था, जो दिया गया है, पहले तो सरकार ने इसके लिए अपना घर घर अपना चूल्हा तो दे दिया, लेकिन चूल्हा तो 3000 का दिया या फ्री में दिया, लेकिन उसके बाद ये जो 1100 रुपये या 1100 समथिंग, अभी 1150 की अभी समथिंग चल रही गैस, ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण, मतलब देखा जाए तो गरीब कहाँ से भरवाएगा सिलेंडर पहली बार तो अरे मिल गया है। अभी ये सरकार एक बार जाके देखे गांव में कि किस तरह से सिलेंडर तो आ गया लेकिन सिलेंडर भरवाने का पैसा नहीं है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं साफ कानपुर के लोगों का, आम जनमानस का साफ कहना है कि पूरी तरीके से जो सिलेंडर के मूल्य वृद्धि हुई है उसको लेकर जो कानपुर के जो आम पब्लिक है उसको काफ़ी आक्रोश नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन हिमांशु श्रीवास्तव के साथ उपेंद्र अस्थाना, कानपुर। बुलंदशहर में उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी घूसखोरी लेते हैं। उन्होंने कहा है कि विभाग का प्राइवेट आदमी अगर आकर कुछ कार्रवाई करेगा तो उसका जूते चप्पलों से स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि SDM के द्वारा मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में कार्रवाई नहीं होने पर शहर का चक्का जाम करेंगे। मेरठ में एक संत ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के कुछ दबंग भू माफिया तीर्थ की जमीन कब्जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें बंधक बनाया और मारपीट भी की गई है। इसको लेकर संत ने बताया कि 2013 में भी मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन ये मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार कानपुर पुलिस का शिकंजा विधायक और उसके साथियों के खिलाफ कसता ही जा रहा है। अब पुलिस ने विधायक के 3 और साथियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। वहीं JCP आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि इससे पहले भी इरफान समेत 5 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। गैंगस्टर एक्ट की विवेचना में हमने गैंग चार्ट में 3 और नाम बढ़ाए हैं। एक हैं मोहम्मद अज्जन, जिनका नाम हमने बढ़ाया है, दूसरा मन्नू रहमान और तीसरा मुर्शलीन उर्फ भोलू का नाम हमने बढ़ाया है। यह गैंग औने पौने दामों पर ज़मीन खरीदता था और रंगदारी, जबरदस्ती, थ्रेट क्रिएट करना, पैसे कम देना, ज़मीनों को अपने हिसाब से ले लेना, एक्वायर कर लेना, फोर्सफुली प्रोक्योर करना, और एक तरह से अगर हम कहें तो पूरी तरह से जो भू माफिया के रूप में एक्ट होता है वो ये कर रहा था। भू माफिया के रूप में इनको इनलिस्ट करना भी एक कार्यवाही है जो अभी प्रचलन में है, जो की जा रही है। गोंडा में अवैध रूप से कब्जा करने का मामला सामने आया है। मध्य रेलवे स्टेशन के पास भूमि पर अनाधिकृत तरीके से चलाई जा रही दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि रेल परिसर में कड़ी मशक्कत के बाद कुल 30 से 35 अवैध कब्जों को हटवाया गया। सरकार चाहे कितने भी कानून बना ले दहेज के खिलाफ, लेकिन दहेज लेने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और इसी वजह से ना जाने कितनी महिलाएं दहेज की भेंट चढ़ेंगी। एक ऐसा ही मामला सामने आया है फरीदाबाद से, जहां एक नवविवाहिता दहेज की भेंट चढ़ गई। हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर ससुराल पक्ष के 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताया तो 12 लाख रुपए उनको दिए थे, मगर शादी के जैसी बात हुई, रिसेप्शन हुआ और मंडा झोंकने के बाद, कल उनका मंडा झोंकना था, लड़की अपने घर पे चली गई दोपहर को और शाम को ही लड़की को मार दिया गया। मारने के बाद ए सी हॉस्पिटल आया बड़कल में, उसमें हॉस्पिटल में मार कैसे दिया? गड़े घुट के मारा जी, पूरे फोटोग्राफ से। अच्छा, हाथ बांध रखे थे, उसके पूरे बॉडी में निशान है, गड़े में अगर फांसी
दावा तो ये कर रहे हैं कि उसने खुद ने फांसी लगाई है, अगर फांसी खुद लगाते तो यहाँ पे निशान होना था, जबकि लड़की के यहाँ पे निशान है, पूरे हाथों पे निशान है, पूरी बॉडी पे निशान है। अच्छा अच्छा, तो हत्या की गई है। हत्या की गई, मतलब कुल मिला के ये कहेंगे आपने उनके दहेज में जो डिमांड थी वो पूरी नहीं की, इसके चलते वो खुन्नस में थे और उन्होंने बदला निकाला। वही चीज, पैसा मांगते थे जी, दिया भी उनको, ट्रांसफर भी कराया जी अकाउंट से 40 लाख रुपया, और डिमांड कितनी थी, और भी दिया है जी कैश 30-40 लाख रुपया। टोटल क्या मांग क्या टोटल पैसा चाहिए, हमें सारे धन चाहिए अपना। अच्छा, फिर दूसरी लड़की हो गई, उसके बाद भी लड़की हो गई, हमें लड़की चाहिए ही नहीं, ले जाओ, जिस दिन लड़की हुई है उसी दिन से लड़की हमारे घर पे है जी। इनके घर में कोई शादी थी, अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में लड़की को ले आए और ला के जिस दिन प्रोग्राम ख़त्म हुआ उसी दिन मार दी जी। शिकायत मिली, उन्होंने 11 के खिलाफ आरोप लगाए हैं, हमें शिकायत प्राप्त हो चुकी है, मुकदमा दर्ज कर दिया है और तलाश जारी है, अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। शिकायत में क्या कहा गया है? शिकायत में दहेज पे आरोप लगाए हैं, भाई शुरू से ही हमारे से दहेज की मांग कर रहे हैं, कभी गाड़ी की कभी पैसे की, और हमने शादी में भी 2.5-3 करोड़ रुपये वगैरह लगाए थे, इस तरह के आरोप लगाए। तो किन किन लोगों के खिलाफ FIR है, मतलब परिवार के? सभी परिवारजनों के ही लगा दिए, जो चाचा था वगैरह, जो भाई, सास ससुर, देवर ननद वगैरह सभी के 11 परिवार। कानपुर में पति पत्नी में आपस में विवाद हुआ था, जिसके बाद से महिला सालों से थाने के चक्कर लगा रही है। पुलिस के डुलमुल रवैये पर सवाल खड़े होते हैं। बड़ा सवाल ये है कि पीड़ित महिला थाने से लेकर महिला आयोग के भी चक्कर काट चुकी है, आखिर महिला की सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है? रायबरेली में दबंगों को कानून व्यवस्था का खौफ नहीं रहा है, बल्कि बेखौफ होकर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि दबंग सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ रील बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। अवैध तमंचे के साथ वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अमरोहा में चीनी मिल के पास कैंटीन संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कैंटीन संचालक की हत्या किसने की और क्यों की है, यह जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। थाना हसनपुर क्षेत्र का प्रकरण है, इसमें पुलिस को सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी यहाँ पे आम के बाग में पड़ी हुई है। मौके पे यहाँ पे पुलिस बल यहाँ पे पहुंचा तो बॉडी की तस्दीक की गई। इनका नाम ताहिर है, ये रहने वाले मूल रूप से हयात नगर के हैं। यहाँ पे ये एक दुकान चलाते हैं, कैंटीन चलाते हैं, जो पता चला है कि रात में यहाँ से निकले थे, फिर उसके बाद में इनकी कोई सूचना नहीं हुई। मौके पे यहाँ पे आके देखा तो इनके सर में हेड इंजरी है, वो चेक कराया जाएगा कि फायरआर्म इंजरी है या किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से किया गया है। यहाँ से इनकी बॉडी को PM के लिए भेजा जा रहा है और फैमिली से एक एप्लीकेशन ली जाएगी, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में शिव मंदिर पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने भू माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर साधु स्वामी चंद्रागिरी ने आज DCP साउथ कमिश्नर के कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मंदिर एंट्री का गेट बंद कर दिया है। वहीं इस मामले पर बजरंग दल पदाधिकारी दिलीप बजरंगी ने पुलिस को चेतावनी दी है, दरवाजा खोलकर मंदिर की स्थिति दिखाई जाए, नहीं तो धरने पर बैठ जाएंगे। जूही थाने में एक घटना प्रकाश में आई थी। एक व्यक्ति की ज़मीन है जिस पर कई किराएदार रहते हैं, वो कई सालों से किसी लेन देन की वजह से यहाँ फरार वो व्यक्ति हो गया था। वो ऐसा पता चला है कि ज़बरदस्ती एक किराएदार के घर में इसके कुछ लोग घुस आए और अंदर से कुछ महिलाएं ताला बंद करके बैठ गई हैं। तो ये संज्ञान में आते ही पुलिस ने उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। जहाँ पर वो कब्जा मकान मालिक द्वारा अपनी प्रॉपर्टी पर ज़बरदस्ती किया है, वहाँ पर कुछ साधु संत रहते थे। उनका कहना है कि उनकी पूजा की सामग्री और कुछ चीज़ें वहाँ अंदर हैं जो नहीं दी जा रही हैं। इसको लेकर वो यहाँ पर आए थे, उनसे वार्ता की जा रही है और जो अंदर महिलाएं बैठी हैं उनको भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। वो अंदर से ताला बंद करके बैठी हैं। उसमें थाना स्तर से 145 CRPC की कार्रवाई कब्जे का निर्धारण करने के लिए रिपोर्ट प्रेषित की गई है। न्यायालय में उसकी सुनवाई कर उचित कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने पुलिस को चेतावनी दी है। मंदिर पर कब्जे से नाराज साधु संत का तांडव देखने को मिला है।
बजरंग दल पदाधिकारियों ने पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर मंदिर का गेट नहीं खोला गया तो धरने पर बैठ जाएंगे। बता दें मंदिर पर कब्जे से नाराज हैं साधु संत। बढ़ती महंगाई के बीच चुनावी साल में तेल कंपनियों ने घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर आम आदमी को होली से पहले झटका दिया है। तेल कंपनियों की ओर से बुधवार को एलपीजी गैस सिलेंडर की नई रेट जारी की गई, जिसमें घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 350 रुपए बढ़ाए गए। इस बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जनता पूछ रही है अब कैसे बनेंगे होली के पकवान, कब तक जारी रहेंगे लूट के ये फरमान। कांग्रेस अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा, मोदी सरकार में लागू कमर तोड़ महंगाई के तले पिसता हर इंसान, जिसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई। सपा प्रमुख ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भाजपा घरेलू व कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाकर खाने पर अप्रत्यक्ष कर लगा रही है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से हर तरह का उत्पादन महंगा होगा, लागत बढ़ेगी तो उत्पादों के दाम भी बढ़ेंगे। जो नौकरी पेशा बच्चे बाहर से मंगाए टिफिन और खाने पर निर्भर करते हैं, ये उनकी जेब पर भी का है। जबकि शिवपाल यादव ने कहा, एक तरफ तो यूपी में घरेलू बिजली दरों में 18 से 23 फीसदी की वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, दूसरी तरफ होली से पहले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी व कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में करीब 350 की बढ़ोतरी हुई है। भाजपा सरकार मतलब आम आदमी की जिंदगी दुश्वार। जब गैस सिलेंडर 400 का था तब ये महंगाई को लेकर हल्ला गुल्ला मचाते थे, प्रदर्शन करते थे, और आज 8 साल में उसे 1103 रुपए का पहुंचा दिया। ऐसे होली के समय में जब लोगों की आय पहले से कम है, बेरोजगारी चरम पर है, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही, और उस समय इस तरीके से दाम बढ़ाना ये दिखाता है कि सरकार आम जनता के किस तरह से खिलाफ है, विरोध में है, और विरोध में इस तरीके से महंगाई को बढ़ा रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए। ऐसी सरकार कभी भी देश के हित में नहीं हो सकती है। जो 400 के गैस सिलेंडर को महंगा बताते थे और अब सत्ता में आने के बाद वही 1100 का बताते हैं, ऐसे लोग कभी भी देश के हितैषी नहीं हो सकते। उन्होंने देश को धोखा दिया है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। देखिए साहब, ये डबल इंजन की सरकार जो कही जा रही है कि केंद्र उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज होली के मौके पर इन्होंने घरेलू रसोई गैस का दाम बढ़ा करके फिर इन्होंने इस प्रदेश के और देश की जनता को जो है परेशान कर रहे हैं, जनता के ऊपर एक बोझ लाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे पर नहीं बोल रही है जो अडानी के माध्यम से जो पूरा देश को इन्होंने आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, आज फिर उसी को अडानी को लाभ पहुँचाने के लिए फिर उसको कर्ज देने के लिए तैयारी हो रही है। जनता की जेब से ही निकाल करके ये पैसा अडानी को पुनः फिर खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाह रही है। और ये महंगाई जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये एम के एम प्रकरणों से इधर उधर ला करके पूरे इस देश की जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं। और महंगाई पर ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, दाल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, दाल हो, आटा हो, चावल हो, ये सब ये GST के दायरे में लेकर के आए हैं कि बजट में इसका दाम भी ना घटाया जा सके। ये देश प्रदेश की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जनता विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, और नौजवानों को न तो ये नौकरी देने का काम कर रही है, ये सिर्फ इसी तरीके से दाम बढ़ा करके और अपने सरकारी तिजोरी को ये भरना चाह रही है। BSP विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या शुक्रवार को हुई थी, जिसके बाद अब आरोपियों पर एक्शन लिया जा रहा है। इस केस में एक आरोपी का पहले ही एनकाउंटर किया गया था, लेकिन बुधवार को अब इस हत्याकांड में आरोपी जफर अहमद और अतीक अहमद की पत्नी के घर पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान मकान के अंदर से बंदूक और तलवार बरामद हुई है। वहीं इस कार्रवाई के बाद
सियासत भी तेज हो गई है। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने विक्रुकांड के विकास दुबे की याद दिलाते हुए अतीक अहमद की गाड़ी पलटने की आशंका जताई है। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं, रोजाना नई नई वारदातें हो रही हैं, निर्दोष लोगों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। कांग्रेस का 85वां महाअधिवेशन बीते सप्ताह हुआ। यह अधिवेशन छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने जाति जनगणना और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण समेत कई मुद्दों पर बयान दिया था, जिस पर अब बीएसपी चीफ मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी द्वारा रायपुर अधिवेशन में जाति जनगणना व प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण आदि को लेकर कही गई बातें छलावा तथा घोर चुनावी स्वार्थ की है। इनकी राजनीति नहीं तो और क्या है, क्योंकि सत्ता में होने पर कांग्रेस ठीक इसका उल्टा ही करती है। बीजेपी का भी रवैया ऐसा ही छलावापूर्ण है, बसपा प्रमुख ने कहा। साथ ही प्रणोति में आरक्षण के चर्चित व महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर कांग्रेस व भाजपा द्वारा सपा को आगे करके संबंधित बिल को संसद में पारित नहीं होने देने की जातिवादी षड्यंत्र को भला कौन भुला सकता है, जिसका अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम इन वर्गों को आज तक भुगतना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।